हम इस समय रीजनल स्टेडियम में हैं गोरखपुर के। अगर हम बात करें तो आज ऑल इंडिया कबड्डी का यहाँ पे चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, शुरुआत हुआ है, जिसमें चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2022 की शुरुआत आज हुई है। हम बात करें तो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की जो है नाम पर यह हर साल खेला जाता है, कबड्डी होती है। आप देख सकते हैं कि पूरे, अगर हम बात करें पूरे भारत से यहाँ पर प्रतिभागी आए हुए हैं और अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी का भी कोई ना एक है जो कबड्डी में पहुंचा है। हम सर मैम हम हमारे साथ विजयलक्ष्मी मैम हैं जो कि कोच भी हैं कबड्डी की, हम उनसे जानेंगे। मैम कितने स्टेट से यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं? यहाँ पे सर 12 स्टेट से टीमें आ रखी हैं। 12 स्टेट से टीमें आई हैं, जिसमें मुख्य मतलब कौन कौन सी हैं? ये है हरियाणा आर्मी रेड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर्डियंस फैक्ट्री, महाराष्ट्र साई सेंटर, केएस बागपत आर्मी ग्रीन, जेसी एकेडमी, जाट रेजिमेंट हरियाणा, आईएस आईटीबीपी दिल्ली। दिल्ली यानी पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं। और जो विजेता होगा उसको क्या पुरस्कार है और क्या है इसका पूरा? जो विजेता है उसके लिए 2,00,000 रुपए इनाम है, जो उप विजेता है उसके लिए 1,00,000 रुपए इनाम है, और जो थर्ड और फोर्थ है वो 50,000 रुपए उनको इनाम दिया जा रहा है। यानी 50,000 रुपया जो थर्ड एंड फोर्थ आएंगे, बाकी 2,00,000 रुपया जो विजेता टीम होगी उसको मिलेगा, उप विजेता को 1,00,000 रुपया मिलेगा। कहीं ना कहीं यूपी की बात करें तो क्या गोरखपुर से भी कोई इसमें प्रतिभाग कर रहा है? जी सर बिल्कुल, हमारे ग्राउंड का लड़का विशाल पासवान है जो पहले हॉस्टल में था और यहाँ का बहुत अच्छा वो है, जूनियर में भी उसने सेकंड प्लेस मेडल दिया था और अभी इस प्रेजेंट टाइम में सर वो सीनियर इसने यूपी टीम में वो खेल रहा है, विशाल पासवान नाम है उसका। विशाल पासवान जो कि यहीं इसी ग्राउंड पर खेला करता था, आज पूरे यूपी के लेवल पर खेल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी देन है, आपके सिखाए हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय भी खेलना शुरू कर दिए। मैम गोरखपुर में अगर हम बात करें तो जो ये कबड्डी है इसको पहले मिट्टी में खेला जाता था, अब ये इस पर खेला जाता, कितना अंतर है? बहुत अंतर है, पहले हम लोग जो थे हम लोग तो मैट पे कभी नहीं खेले, मैंने भी 10 सीनियर नेशनल खेला है, पर अब बहुत आधुनिक हो गया है, काफ़ी से बच्चों को जो भी है बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मैट पे बहुत मतलब गिरने में बच्चों को मज़ा आता है। मैट पे गिरने में मज़ा आता है लेकिन वहीं मिट्टी में गिरने में मज़ा नहीं आता है, कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती थी, लेकिन इस मैट की वजह से आप देख सकते हैं ये मैट बिछा हुआ है, ये भी लगभग इसमें 1,00,000 रुपए का खर्चा होता है। मैट बहुत ही जो है पैर को एकदम टिका के रखने का काम करता है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से प्रतिभागी यहाँ पर जो है अपने कबड्डी का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी पूरे भारत से यहाँ पर आज जो इस रीजनल स्टेडियम में पूरे भारत से यहाँ पर प्रतिभागी आए हैं। विजयलक्ष्मी मैम ने बताया जिस तरह से कि 2,00,000 रुपया विजेता को मिलेगा, कहीं ना कहीं गोरखपुर का भी नाम पूरे देश में होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के इस जो है क्या कहते हैं इस उनके नाम पे ये हर वर्ष होता है, ये चौथा साल है? हाँ सर, ये कोविड की वजह से पिछले साल नहीं होता, ये 5वां साल होता, पर कोविड आ गया तो इसकी वजह से ये चतुर्थ हाँ यानी चौथे साल हो गया इसके, मतलब तीन बार हाँ। हो चुके तो उसमें कौन कौन विजेता रही कुछ याद होगा मैम, क्योंकि 3 साल पहले अभी तो सर मुझे याद नहीं पड़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब थक गई हूँ, कुछ मेरे दिमाग वो नहीं कर रहा है, पर मेरे ख्याल से सेना की टीम हमारी विजेता हुई थी और वो हमारी थर्ड प्लेस हमारी यूपी की टीम पड़ी थी, यूपी की टीम को थर्ड प्लेस मिला था। यानी अगर हम बात करें तो गोरखपुर सहित पूरे यूपी और यूपी सहित पूरे भारत में अगर कबड्डी का अब क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और मैम ऐसी कोच हैं, क्योंकि गोरखपुर में अगर हम बात करें तो विजयलक्ष्मी मैडम की जैसी कोच बहुत कम है, क्योंकि वो दिल लगा कर बच्चों को सिखाती हैं, दिमाग लगा के बताती हैं किस तरह से कहां से पकड़ होनी चाहिए, ये सारी पकड़ को बताने वाली कोच मैम हमारे साथ थी, उन्होंने पूरी जानकारी दी और यहां पर जो प्रतियोगिता हो रही है ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में गोरखपुर का नाम रोशन करने वाली है। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।